Hey guys, welcome back to another video, and it's been a long time I didn't make any YouTube videos for my channel. I don't know what am I doing. Reels देख रहा था बेड पे लेटे लेटे और कुछ नहीं, टाइम पास, यू नो, प्रोकास्टिनेशन. कल बनाऊंगा, तो कल बात करें. Today's topic is how I cured my acne. So basically, acne कुछ sort of problems के कारण हो सकती है, जैसे कि genetics में हो सकता है, या फिर hormonal change हो सकते हैं, या तुम्हारे lifestyle का factor भी हो सकता है. So acne को इतना ज़्यादा stress नहीं लेना चाहिए, क्योंकि stress लोगे acne होगा stress लोगे, like ये continuously loop में फंस सकते हो. Okay, let's talk about my acne, how I cure my acne, and when I have acne on my face. So, क्या होता था कि मैं फंक्शंस को अवॉइड करने लगा था, बाहर जाना अवॉइड कर दिया था, लोगों से मिलना अवॉइड किया था, जस्ट मैं कैप पहनता था एंड पूरा फेस कवर करके बाहर जाता था. एंड बहुत रेयर कंडीशंस होती थी, सो मैं अगर बाहर जाया करता था, बहुत ही रेयर, और उतना कॉन्फिडेंस भी लो हो चुका था, किसी से बात नहीं कर पा रहा था, सारी चीज़ें, और ऊपर से मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है. और अगर बाय चांस, ये तो ठीक है, ये तो एक मेजर फैक्टर है, बट तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज टाइप के, मतलब बोलते हैं कि भाई तू हिलाया कर, लेकिन इस टाइप से कि हिलाना बंद कर दे, ये वो अलग अलग चीज़ों से तुम्हें बोलने लगेंगी कि इस कारण से एक्ने हो रहे हैं, इस रीज़न से एक्ने हो रहे हैं. और आजकल तो अरविंद भैया भी लगे हैं चिप लगाने में, तो देखा जाएगा. बैक टू टॉपिक भाई. ओके, तो पहली चीज़ अगर मैं देखूँ, अगर एक सॉर्ट ऑफ एडवाइस दूँ, तो वो ये है कि अगर एक्ने है सो है, उसे ज़्यादा स्ट्रेस टाइप में कन्वर्ट मत करो. एक्ने है, थोड़ा बाहर जाओ, घुलो मिलो, हाँ थोड़ी स्किन केयर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि एक्ने चला जाएगा. इतने मेरा एक्ने जाने में मुझे एटलीस्ट 6 ईयर्स लग गए थे, 6 ईयर्स. और अगर मैं कुछ सॉर्ट ऑफ टिप्स दूँ, अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, अगर उनको यूज़ करते हो तो मे बी आपको 6 ईयर्स नहीं 6 मंथ्स लग सकते हैं, बट हाँ एक्ने जल्दी चल जाएगा. तो बात करें एक्ने के ऊपर. ओके, सो पहला अगर मैं कोई एडवाइस दूँ, सबसे पहले तो हमें अपना फेस को क्लियर रखना. अगर तुम्हारा ऑयली स्किन है, अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो मे बी तुम्हें 3 टाइम्स को अपने फेस को वॉश करना है, लाइक व्हेनेवर यू गो आउट. एंड देन उसके बाद तुम अगर आते हो तो तुम्हें अपने फेस वॉश करना है, सुबह मॉर्निंग में करना है, एंड हो सके तो मिड में भी कर सकते हो, एंड इवनिंग में, और फिर रात के टाइम सोते हुए अपने फेस को क्लीन करके सोना है. तो पिंपल्स हैं, ज़्यादा रफली क्लीन नहीं करना है, सॉफ्टली क्लीन करो. एंड लाइक तुम्हारा जो क्लोथ होगा फेस क्लीन करने के लिए, तो तुम उसे सबसे डिफरेंट, मतलब सबसे अलग रखो, लाइक उससे सिर्फ तुम फेस क्लीन करने के लिए यूज़ करोगे, ना किसी और को देना है, ना किसी और का क्लोथ को यूज़ करना है, जस्ट वो तुम्हारा. अब वॉश योर फेस एटलीस्ट 3 टाइम्स, इट विल हेल्प यू टू क्योर योर एक्ने. एंड सेकेंड थिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर डाइट. बिकॉज क्या होता है कि तुम्हें एक्ने हो रहा है, तुम शुगर कंज्यूम कर रहे हो, ऑयली फूड कंज्यूम कर रहे हो, फास्ट फूड कंज्यूम कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ें ना अवॉइड करनी पड़ेंगी. लाइक शुगर को तुम शुगर खाना ना बंद ही कर दो, एक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, सबको बंद कर दो, ऑयली फूड बाहर का खाना बंद कर दो. क्योंकि मैंने भी, जब मुझे एक्ने थे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा लाइक फास्ट फूड या फिर शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था. देन आई रियलाइज कि इसे ओवरकम करना पड़ेगा. कॉफ़ी भी मैं बहुत ज़्यादा पीता था, कॉफ़ी में कैफीन होता है, एंड देन इट रिलेटेड टू पिम्पल्स अगेन, वो सब, एंड सारी चीज़ों को ना कम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर दो सब चीज़ों को. लाइक 1 to 2 मंथ्स तुम्हें अवॉइड करना है, एंड तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पीना है, वाटर. लोग बोलते हैं कि कैसे, एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर तो तुम्हें एक डे में पीना चाहिए. आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, 3 लीटर पानी पी सकते हो, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा.
जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, जितना ज़्यादा पानी पियोगे, जितनी ज़्यादा तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी वॉश आउट हो जाएंगी, यानी वॉश आउट तो नहीं निकल जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर योर स्किन एट लीस्ट 3 times। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड फास्ट फूड, शुगर एंड ऑयली फूड। थर्ड, ड्रिंक वाटर एट लीस्ट 3 liters इन 1 day इफ इट्स पॉसिबल। यू कैन कंज्यूम इन ऑन योर अकॉर्डिंग, जितना कैपेसिटी है उतना ही पीना, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, अवॉइड क्रीम्स, फेस वॉश, लाइक ऐसे कुछ क्रीम्स आते हैं लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड होता है उनमें, तो वो क्या होता है कि जब तुम उसे पिंपल्स पे लगाओगे देन तुम्हें 1-2 दिन में रिलीफ मिल जाएगा कि पिंपल्स जा रहे हैं, बट मे बी वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मे बी तुम्हारे इस एक्ने वो टेम्परली चले जाते हैं बट परमानेंटली नहीं जाएंगे, वो दोबारा वापस आ जाएंगे। सो मे बी सबसे पहले तो तुम्हें अवॉइड करना है कि कोई भी क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स कुछ भी यूज़ ना करो फेस पे, जस्ट क्लियर योर स्किन, सबसे ज़्यादा क्लियर रखना है, ना ज़्यादा ड्राई रखनी है फेस स्किन को, ना ज़्यादा ऑयली होने देना है स्किन को, मीडियम फेस में रखो। एंड सनस्क्रीन कुछ भी यूज़ नहीं करना, बस सन से प्रोटेक्ट करके रखना है हमें, ज़्यादा सन डस्ट इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखना है अपनी स्किन को। बट ओके, अगर कुछ यूज़ नहीं करना है, कुछ क्रीम यूज़ नहीं करना, तो क्या यूज़ करना है? सो ये फैक्टर आता है कि क्या यूज़ करना है। तो मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स मिलेंगी तुम्हें जो पिंपल्स के बारे में बताएंगे कि ये यूज़ करो तो चले जाएंगे, ये यूज़ करो तो चले जाएंगे। बट आई सजेस्ट कि कुछ भी यूज़ मत करो कुछ टाइम के लिए, कंडीशन वॉश हो सकती है लेकिन कुछ भी यूज़ मत करो, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, पिम्पल्स थोड़े लेट जाएंगे बट क्लियरली और परमानेंटली जाएंगे। इसलिए कुछ भी क्रीम नहीं लगानी, सारी स्किन्स की जो क्रीम्स आती हैं उन सबसे अवॉइड। द अनदर पॉइंट इज टेकिंग स्ट्रेस, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस उतना नहीं लेना है। पिंपल्स हैं ठीक है, चले जाएंगे, कुछ टाइम के लिए है, टेम्प्ररी है, चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उन्हीं को लेके बैठ गए हो, स्ट्रेस ले रहे हो, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे इन लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए टाइम मिलेगा तुम्हें, अभी पूरी ज़िंदगी डली है, इतना सारा टाइम है, कहाँ जाओगे भाई, तो बहुत टाइम है, आराम से थोड़ा पेशेंस रखो, पिंपल्स चले जाएंगे। ऐसा कोई ज़्यादा हॉस पॉस मत करो कि ये क्रीम यूज़ कर लिया, ये क्रीम यूज़ कर लिया। ओके, हाँ मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नेज होते हैं, कुछ एक्नेज ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल है, थोड़े थोड़े हैं, पर कुछ एक्नेज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही हैं, एकदम वॉश कंडीशन होती जा रही है। तो आई थिंक उस टाइम पर तुम्हें कोई स्किन केयर को दिखा, स्किन केयर वाले को दिखा देना चाहिए, स्किन केयर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। उस टाइम पे कोई भी चीज़ यूज़ मत करो, डॉक्टर्स को दिखाओ, डॉक्टर तुम्हें बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर नॉर्मल पिंपल्स तो मे बी वेट करो, जो चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट करो, इट टेक टाइम्स बट पिंपल्स जाएंगे, थोड़े टाइम लगेगा। और एकदम से मत सोचो कि भाई आज पिंपल्स हैं, मैंने क्रीम लगाई और कल चले जाने चाहिए, नहीं, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, मुझे कुछ 6 years लग गए हैं, देन अब मुझे पिंपल्स बहुत कम होते हैं, बहुत रहे, यानी कि मे बी एक हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है कि हम जब पिंपल्स होते हैं तो हम उन्हें फोड़ देते हैं, पॉप आउट कर देते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना, उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो पिंपल्स का जो स्कार रहेगा ना, वो जो प्रिंट आउट छोड़ जाएगा तुम्हारे फेस पे, वो प्रिंट ऐसा रहेगा कि हमेशा के लिए तुम्हारे फेस पे लगा रहेगा, और उसे जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मत करो ना, थोड़ा देर मतलब अपने ब्रेन पे, अपने जो भी कंट्रोल रखो, कुछ नहीं करना, चले जाएगा, थोड़े दिन बाद अपने आप वॉकआउट हो जाएगा, चले जाएगा, वो थोड़ा अच्छा रहता है। ओके, तो मुझे पता है कि आई नो कि पिंपल होने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हो, अलग स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, कुछ करने में भी मन नहीं लग रहा है, और पिंपल्स हैं इस कारण से तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बन रहा, ये होता है, एक टाइम के बाद चला जाएगा। तो पेशेंट रखो ना यार, वेट करो। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे पता था कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कोई क्रीम होगी या फिर कोई फेस वॉश होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे जल्दी पिंपल्स चले जाएंगे, एकदम क्लियर स्किन हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर जो चीज़ जितने जल्दी मिल जाती है वो क्या है, टेम्प्ररी, क्या है पिंपल, अगर टेम्प्ररी चले जाएंगे और फिर दोबारा वापस आएंगे तो क्या फ़ायदा है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो जो चीज़ें बताई गई हैं, एक अच्छा रूटीन फॉलो करो, एक अच्छी डाइट फॉलो करो, थोड़ी अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे चेंज करो, पिंपल्स चले जाएंगे। और कुछ पिंपल्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली भी हो सकते हैं, जैसे अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पिंपल्स थे, मम्मी पापा को पिंपल्स थे, तो तुम्हें भी हो सकते हैं। और एक होता है हार्मोनल चेंज, सब में हार्मोनल चेंज आते हैं, अगर तुम जिम स्टार्ट कर दिया हो तो शायद तुम्हें पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी एक्ने होने लगेगा, होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो चला जाएगा। थोड़ा सा अपनी डाइट को फॉलो करो, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग
तुम सारी चीज़ें देखो कि कैसा क्या चीज़ तुम्हें सूट करती है, एंड देन थोड़ा पेशेंस रखो. ओके दैट्स इट फॉर द वीडियो. और अगर अगर तुम्हें और कंटेंट मतलब वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं, ओके आई नो वीडियोस लेट है, बट अगर तुम्हें थोड़ा और कनेक्टेड रहना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर्स माय आईडी, गो एंड फॉलो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में. Yeah.